Good evening students. Today i'm just here with few questions from the sermon at Banaras. Some extra questions, because the text based uh, questions you have already with you, जो आपकी किताबों के क्वेश्चन से वो तो आपके पास हैं but board exams में बस वही क्वेश्चन तैयार करने से you cannot get marks. क्योंकि ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे यू विल गेट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम हियर तो आप लोग इसे सुने समझें एंड यू कैन राइट डाउन लिख लो अपनी कॉपीज में और अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करो जितने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर पाएंगे ठीक है इट मीन्स इट विल प्रिपेयर अ लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है एंड इफ़ यू प्रिपेयर गुड लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी इट कंटेन्स सो मैनी शॉर्ट क्वेश्चन इन इट तो ये एक तरीका है कि आप चाहे लॉन्ग क्वेश्चन से ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें या बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके चलें जिससे कि अगर लॉन्ग में आए तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से लिख पाएं सो लेट स्टार्ट नाउ सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर हाउ डिड गौतमा केम टू बी नोन एज बुद्धा मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है क्लास में वी हैव स्टडी इट हियर इन द क्लास रूम सो हाउ डिड गौतम केम टू बी नोन केम टू बी नोन ठीक है पास्ट इंडेफिनेट में क्वेश्चन दिख है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा <coughs> यहाँ पे कम होना चाहिए ये रॉन्ग है हाउ डिड गौतम कम टू बी नोन बिकॉज इट इज डिट ना कम टू बी नोन एज बुद्धा वो कैसे बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे सिद्धार्थ गौतम वॉन्टर्ड फॉर सेवन ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल थ्री हमने पढ़ी है पूरी ये सारी स्टोरी कि फॉर मेनी ईयर्स फॉर सेवन ईयर्स ही वॉन्टर्ड माने इधर उधर भटकना भटकते रहे इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द रियल नॉलेज ठीक है किसकी खोज में रियल नॉलेज की खोज में वो इधर उधर भटकते रहे एंड फाइनली ही सैट डाउन अंडर पीपल ट्री टिल ही गॉट एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति ठीक है कैसा ज्ञान एक इट्स नॉट लाइक एनी सब्जेक्टिव नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी ठीक है तो जब एनलाइटनमेंट प्राप्त होने तक वो पीपल ट्री के नीचे बैठ के जो बोधगया नाम की जगह है बिहार में हमने पढ़ा है उसके बारे में तो वहाँ बैठे आफ्टर सेवन डेज़ ऑफ़ एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्ति के सात दिन बाद ही री द बौधि ट्री बौधी ट्री बोधी ट्री के नीचे जहाँ बैठे थे एंड बिगैन टू टीच ठीक है वो बोधी ट्री के नीचे बैठ कर लोगों को क्या ज्ञान देने टीच मीन्स कोई सब्जेक्ट नहीं प्रीचिंग हम बोल सकते हैं टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा जो उनको नया ज्ञान मिला जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो उसे लोगों को देने लगे और उस इस क्योंकि बोधी ट्री के नीचे बैठ के ये ज्ञान देते थे इसलिए उनका नाम वहाँ से क्या पड़ गया बुद्धा क्वेश्चन नंबर टू इज़ वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम अ बैगर हमने पढ़ा था कि उन्होंने पहले उनका जो uh, नेम है दैट इज़ सिद्धार्था हिज फादर्स नेम इज़ शुद्धोधना फ्रॉम कपिल वस्तु सो वाई डिड प्रिंस सिद्धार्था लीव द पैलेस पैलेस मीन्स महल उन्होंने महल क्यों छोड़ा एंड वाई डिड ही बिकम अ बैगर बैगर मीन्स भिकारी मीन्स संत अभिक्षुक क्यों बने वो ठीक है वाइल्ड आउट हंटिंग वाइल्ड आउट हंटिंग जब वो एक बार हंटिंग हमने पढ़ा था ना बाहर जाते हैं प्रिंसेस सिद्धार्थ चांसड अपॉन अ सिक मैन किस किस को देखा उन्होंने एक सिक मैन को देखा बीमार एंड एजड मैन एक बूढ़े आदमी को एंड देन अ फ्यूनोरल प्रोसेशन मैंने बताया था फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स होता है अंतिम संस्कार जो शव यात्रा होती है एंड ही ऑल्सो सो अ मोंग बैगिंग और फाइनली उन्होंने एक मोंग यू नो दैट मॉन्ग मीन्स बहुत भिक्षुक को बैगिंग मैंने मांगते हुए देखा ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड्स फुल ऑफ सोरो तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि दुनिया तो दुख से भरी है मैंने आपको पूरी इसकी स्टोरी बताई थी कि वॉट इज़ फादर हैड सीन अ ड्रीम और इस वजह से उन्होंने कितने साल तक अपने बेटे को बिल्कुल एक पैलेस में रखा इट वाज फुल ऑफ जॉय एंड लग्जरी किसी को नहीं आने दिया जाता था बट फाइनली इट है इट हैड टू हैपन तो वो बाहर गए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सौरव सौरो माने दुख कि दुनिया तो दुख से भरी पड़ी है एंड यू लेव द पैलेस इसीलिए उन्होंने महल छोड़ दिया एंड सर्च ऑफ एनलाइटमेंट वो सच्चा ज्ञान जिससे कि उस दुख को समझने की शक्ति आ पाए इसलिए उन्होंने पैलेस छोड़ा और वो एक बैगर बन गए ठीक है मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन आर थर्ड क्वेश्चन मैं बिल्कुल uh, जल्दी मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज सो मैनी क्वेश्चन आर हियर हाउ डड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई सिद्धार्थ गौतमा वॉन्टेड फॉर सेवन ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर पीपल ट्री टिल ही गोट एनलाइटनमेंट आफ्टर सेवन डेज ऑफ एनलाइटनमेंट ही रीनेम द ट्री एंड बिगेन टू टीच यू तो हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच इज फर्स्ट सर्मन पहला सर्मन माने क्या बताया था आपको रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रीचिंग धार्मिक उपदेश सबसे पहले उन्होंने बनारस में क्यों अपना उपदेश दिया प्रीच माने प्रचार मतलब कैसा प्रचार आध्यात्मिक और ज्ञान की बातों को बताने को प्रीच कहते हैं

गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं ना दैट द समन हैज बीन प्रिजर्व इसलिए उन्होंने अपने प्रिजर्व अपने ज्ञान को कहाँ देना सबसे पहले शुरू किया बनारस में इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन काइंड ऑफ सफरिंग विच के नॉट बी अंडरस्टूड इट रिफ्लेक्ट्स इससे क्या पता चलता है कि बुद्धाज विजडम द नेम ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो आई जस्ट विजडम विजडम माने विद्वता ज्ञान उनके ज्ञान का पता चलता है अबाउट वन काइंड ऑफ सफ़रिंग विच नॉट बी अंडरस्टूड कि एक ऐसी सफरिंग एक ऐसा दुख जो दुनिया में है जिसको समझा ना जा सके उसको समझने के लिए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और लोगों को समझाना शुरू किया अपने ज्ञान के माध्यम से कि कैसे वो सच्चा सुख पा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ वॉट डिड कीज़ा गौतमी से टू बुद्धा हमने जो स्टोरी पढ़ी है हमारे चैप्टर में दैट इज़ कीज़ा गौतमी द लेडी हुई एंड हाउ शी वज मॉर्निंग अपाउन इट वॉट डिड कीजा गौतमी से टू बुद्धा उन्होंने बुद्धा से क्या कहा वॉट रिप्लाई डिड ही गिव टू हर उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है कीज़ा गौतमी वेंट टू बुद्धा इन आज हेम टू गिव हर द मेडिसन टू मेक हर सन लाइव बुद्धा के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि कोई दवाई दे दे जिससे कि उनके डेड बेटे पे फिर से प्राण आ जाएँ द बुद्धा आज हर टू ब्रिंग हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स इट शुड बी ब्रॉड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड सो गौतम बुद्धा उसको किस तरह से समझाते हैं तो ये क्या कहते हैं कि आप ऐसे घर से मस्टर्ड माने सरसों के सीड्स माने दाने ले आओ जहाँ आज तक कोई भी नहीं जिस कहीं भी जहाँ किसी की भी आज तक डेथ नहीं हुई है वाई वॉज कीज़ा गौतमी सैड वो क्यों दुखी थी वट डिट शी डू इन हर ग्रीफ वो अपने दुख में क्या करती है क़ीज़ा गौतमी इज़ ओनली सन है डाइड एक ही बेटा था जिसकी डेथ हो जाती है एंड शी वॉज फुल ऑफ ग्रीफ ग्रीफ माने गहरा दुख वो दुख में शोक में चली जाती है एंड शी कैरी द डेड सन टू ऑल हर नेबर्स वो अपने पड़ोसियों के घर अपने डेड सन को अपनी गोद में हर घर घर ले जाती है एंड शी आज देम फॉर मेडिसिन दवाई के लिए पूछती हैं सो दैट हर सन कैन बी अलाइव लाइव अगैन द पीपल रिमार्क्ड दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस लोग कहते हैं कि वो अपने होश खो बैठी है मीन्स शी हैज़ गॉन मैड ये लोग कहते हैं शी वॉज सो ग्रीव्ड इन अपॉन दिस सिचुएशन ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हैं ना कि किसको क्या लगेगा एक मदर को बट शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट दैट हर सन हैड डाइड तो फिर फाइनली महात्मा बुद्ध

एक मुट्ठी आप कह सकते हैं ऑफ मस्टर्ड सीड्स पीपल गेव हर द मस्टर्ड सीड्स बट वेन शी आस्ट इफ़ एनी वन डाइड इन द फैमिली लोग देते हैं मस्टर्ड सीड्स बट जब वो उनसे पूछती है कि क्या उनकी फैमिली में आज तक किसी की डेथ हुई सो ऑब्वियसली दे रिग्रेटफुली टोल्ड हर दुख से वो बताते हैं दैट द लिविंग्स वर फ्यू बट द डेड्स वर मैनी कि जीने वाले तो बहुत कम हैं डेड्स वर सो मैनी ऑब्वियसली एक परिवार में पहले कितने मतलब पीढ़ियों में डेथ तो हो गई है खीसा गौतमी फाउंड नो हाउस वेयर समवन हैड नॉट डाइड उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां आज तक किसी की डेथ हुई ना हो व्हाट डिड बुद्धा वांट टू एक्सप्लेन टू किसागौतमी गौतमी वो क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे उसे क्या समझाना चाहते थे इस थ्रू दिस वे दुद्धा वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू कीसा गौतमी दैट मैन के नॉट गेट पीस ऑफ माइंड बाई ग्रीविंग कि इंसान ग्रीविंग माने शोक करने से पीस ऑफ माइंड माने मन की शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब उसका उल्टा हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र कि जितना वो अपना ज़्यादा शोक मनाएगा उतना उसका शरीर और दुख बॉडी भी सफ़र करेगी बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल वह जितना इंसान दुख करेगा वो अपने को बीमार करेगा अपने को कमज़ोर कर देगा अ मैन हु ओवरकम्स ऑल सॉरो विल बी फ्री फ्राम सोरो एंड विल बी ब्लेस्ड अ मैन मतलब एक वो आदमी हु ओवरकम्स जो हर तरह के दुख को जीत लेता है उससे ऊपर उठ जाता है विल बी फ्री फ्राम सौरो वो हर तरह के शौक से मुक्त हो जाएगा एंड वही इंसान ब्लेस्ड है मतलब जो अपने दुख को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना जाने उसको जीतना जाने वाई डिट कीजा गॉट मी गो फ्राम हाउस टू हाउस दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सो एल नॉट एक्सप्लेन अगेन द सेम थिंग विल गो फॉर फ्यू क्वेश्चन बिकॉज uh, जो टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं वो तो आप लोगों ने तैयार किए होंगे आई होप सो वट वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ द बुद्धास प्रीचिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उनके ज्ञान का जो बेसिक आइडिया है बेसिक मूल तत्व जो है उसमें वो क्या है द बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धास प्रीचिंग बुज दैट डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ जब वो लोगों को क्या प्रीच कर रहे हैं कि डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ कि मृत्यु जीवन का एक अल्टीमेट ट्रुथ मीन्स सच है सबसे बड़ा सत्य तो मृत्यु ही है क्योंकि सबको आनी ही है इट इज़ दैट एवरी लिविंग बींग हैज़ टू डाइव वन डे वो बताते हैं कि yes हर एक को एक दिन हर लिविंग बींग को हर जीने वाले uh, सजीव को जिसमें जान है उसे एक ना एक दिन मरना है नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ कोई भी डेथ से नहीं भाग सकता ग्रीव कै नॉट कंसोल एनी और दुख किसी को कंसोल नहीं कर सकता मतलब कितना भी दुख मना लो आप finally you cannot bring the dead back we must accept this universal truth universal money ब्रह्मांड का ठीक है तो इस सत्य को हमें सीधे वी मस्ट एक्सेप्टेड हमें इसे एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए तो इसलिए वो किजा आदमी को, को क्या समझाते हैं कि जो होना ही है तो उसके लिए इतना दुख क्या मनाना सो so मीन्स Except to the reality that one day everybody has to leave this world means we all are mortal. Unka jo knowledge, preaching mortal hai. Mortal means Nashwar means a matter to decay today or tomorrow or after a few days. Sorry. <coughs> now uh, one long one or two long questions I'm going to explain to you. वट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ ऑफ़ ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू बुद्धा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि इंसान की लाइफ का नेचर प्रकृति क्या है अकॉर्डिंग टू लॉट बुद्धा बुद्धा के हिसाब से या उनके अनुसार जीवन क्या है मनुष्य के जीवन की जो सच सच्चे जो प्रकृति है वो क्या है द लाइफ ऑफ मॉटल जो वर्ड मैंने बोला था मॉटल मीन्स होता है नश्वर नश्वर मतलब नाशवान जो एक दिन नाश जिसका होना ही होना है द लाइफ ऑफ मॉटल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ इंसान का जीवन कैसा है परेशानी से भरा हुआ है ब्रीफ माने बहुत छोटा है इट इज़ कम्बाइंड विद पेन ये किस में मिला है पूरा किससे भरा पड़ा है पेन माने दर्द यू विल नॉट फाइंड एनी वर्न इन द वर्ल्ड हु इज़ एक्चुअली हैप्पी हमें दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा मिल सकता है मतलब ऐसे ही ज्ञानियों को छोड़ कर जो अपनी लाइफ से खुश होगा एवरी बडी इज़ इन पेन किसी भी तरह का मेंटल मींस फिजिकल इमोशनल पेन्स आर देर इन ह्यूमन लाइफ एवरी टाइम नोबड़ी कैन अवॉइड डाइंग एंड नोबड़ी कैन अवॉइड डाइंग कोई भी मृत्यु को नहीं डाल सकता आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ जब ये तो किसी किसी के साथ होता है डेथ इज़ मींस इट्स नॉट नेसेसरी कि ओल्ड होगी ही डेथ होगी डेथ कैन कम एनी टाइम इट मे बी इन चाइल्ड हुड यंग एंड अडल्ट एंड ओल्ड एज तो सच इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग तो ये है इंसान की लाइफ का सच्चा एक प्रकृति कि एक ना एक दिन उसे नष्ट हो जाना है और भरना ही है जस्ट एज़ राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ़ फॉलिंग जैसे कि पड़े पके हुए राइप माने पके हुए फल राइप फ्रूट्स मीन्स पके हुए फल आर इन डेंजर ऑफ़ फॉलोइंग जैसे अगर कोई फल पक जाता है तो फाइनली क्या होता है अगर वो पूरा पक जाएगा तो पेड़ को खुद ही छोड़ के गिर जाएगा सो मॉटल्स आर इन डेंजर ऑफ़ डेथ वैसे ही नश्वर शरीर वाले जो भी सजीव हैं मींस इंसान वो हमेशा दे आर इन डेंजर ऑफ़ ऑफ डेथ वो भी मृत्यु की तरह, उसकी तरह उन्हें भी एक दिन इस धरती को छोड़कर यहाँ से चले जाना है एज ऑल अर्दन वेसल्स अर्दन माने मिट्टी से बने हुए वेसल्स माने बर्तन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक एक समय के बाद मिट्टी के बर्तन ऑब्वियसली टूट जाते हैं सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉटल्स वैसी ही लाइफ है किसकी हम लोगों की मॉटल माने नश्वर नाशवान प्राणियों की ऑल हैव टू डाई सबको मरना है एक दिन ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डजेंट लेमेंट तो मन की शांति किसको मिल सकती है दुनिया में जो हर परिस्थिति में हु डज नॉट lament, जो किसी भी स्थिति में शोक नहीं मनाता कंप्लेन एंड ग्रीव जो कभी किसी भी बात के लिए हमेशा शिकायतें नहीं करता रहता और हमेशा दुख में नहीं रहता वही सच्चा जीवन जी पाता है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा ही हु हैज़ ओवरकम सोरो विल बी फ्री फ्रॉम sorrow एंड बी ब्लेस्ड ही हु हैज़ ओवरकम ओवर माने जीत लिया जिसने दुख को जीत लिया हर तरह के दुख को जीत लिया वही विल बी फ्री फ्रॉम सोरो वही किसी भी शोक से बाहर हो सकता है एंड विल बी ब्लेस्ड वही एक ब्लेस्ड मतलब खुश वही सच में एक सुखी जीवन जी सकता है ये महात्मा बुद्ध जी ने अपनी प्रीचिंग में उनका जो मेन बात है वो यही है ठीक है नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ डिड गौतम बुद्ध एक्सप्लेन विद गेट एनलाइटनमेंट उनको ज्ञान कैसे मिला एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी स्टोरी से रेफरेंस लेके बताऊँ सिद्धार्थ गौतमा वॉज अ प्रिंस वो एक राजकुमार थे हु वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड जिनको उनके पिता ने बिल्कुल प्रोटेक्टेड लाइफ दी थी दुनिया के दुख उनके सामने कभी नहीं आने दिए एट द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव ही केम अक्रॉस जब वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स के थे तब एक बार वो जब बाहर जाते हैं विद चैरिएटर देन ही केम अक्रॉस केम अक्रॉस मतलब अचानक से देखते हैं किसे एक सिक मैन बीमार को एन एजड मैन एक बूढ़े व्यक्ति को अ फ्यूनरल प्रोसेशन एक शव यात्रा एंड अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स आर्म्स माने Uh, वो क्या कहते हैं भिक्षा मांग रहा था जब एक भिक्षुक भिक्षा के लिए बैगिंग माने भीख मांग रहे थे दीस साइड्स मूव हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड सीक कैन लाइट एंड कंसर्न इन हैड विटनेस्ट जो दुख उसने उस उन्होंने उस दिन देखा दुनिया में तो उन्होंने ये देखा कि ये अगर दुनिया दुख से भरी पड़ी है तो सच में खुशी क्या है वो सच्चा ज्ञान क्या है जिससे कि इस दुख से बचा जा सके तो इसलिए वो चले जाते हैं ज्ञान की खोज में सिद्धार्था वॉन्टेड फॉर सेवन ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल टी सात साल वो इधर उधर भटकते हैं और फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ तपस्या यू कैन से जस्ट वेटिंग फॉर द नॉलेज ही स्टार्टड देयर नाउ ही वाउट वाउट मीन्स होता है शपथ लेना टू स्टे देयर एन अनटिल एनलाइटनमेंट केम जब तक कि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती वो शपथ लेते कि वो उसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे बींग एनलाइटन आफ्टर सेवन डेज और उसी के सात दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है ही रे नेम्ड द ट्री द बोधी ट्री उसी पीपल के पेड़ का नाम वो क्या रख देते हैं खुद ही बोधी ट्री द ट्री ऑफ विजडम बुद्धि शब्द आप जानते ना बुद्धि ट्री ऑफ विजडम बुद्धि का वृक्ष मतलब ठीक है तो एक मतलब एक सिंबॉलिक नेम वहाँ दे देते क्योंकि वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ आज भी बोध गया एक पवित्र स्थल माना जाता है वहाँ बिहार में देर आफ्टर ही विग्ञान टू टीच एंड शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग तो जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने लोगों को शेयर करना शुरू किया एट दैट पॉइंट ही बिकेम टू बी नोन एज बुद्धा और इसी समय से उनको लोगों ने किस नाम से जानना शुरू कर दिया बुद्धा ही प्रीस्ट हिज फर्स्ट समन एट द होली सिटी ऑफ बनारस पहला प्रीच पहला ज्ञान पहला प्रचार या प्रसार या जो भी उनके धार्मिक उपदेश थे वो कहाँ दिए गए पवित्र स्थान होली सिटी ऑफ बनारस बनारस की पवित्र शहर में

So, write down the, these answers, learn them, and practice to write yourself. Thank you.